आज हम यूनिट नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं, अ ब्लाइंड बॉय, और एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 1 में कह रहा है, रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट येस और नो इन द गिवन ब्लैंक्स। नीचे दिए गए सवालों के जवाब दीजिए और उनके जवाब येस और नो में दीजिए जो कॉलम आपको दिया गया है। नंबर 1 है, वाज द बॉय ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, क्या लड़का पैदा होते हुए ही अंधा था? तो येस, इसका आंसर होगा येस। नंबर 1 में। नंबर 2, वाज ही हैप्पी, क्या ये खुश था? तो इसका आंसर होगा नो, वो खुश नहीं था, हमने ऑलरेडी लेसन में पढ़ लिया है। नंबर 3, डिड ही नो द डिफरेंस बिटवीन लाइट एंड डार्कनेस, क्या वो अंधारे और रोशनी में फ़र्क महसूस कर रहा था? तो इसका आंसर होगा येस, वो फ़र्क महसूस कर रहा था। लास्ट है, इज़ द ब्लाइंड बॉयज फादर टेलिंग अस द स्टोरी, क्या ये जो कहानी है वो जुनाबी लड़का था उनके बाप ने बताई है? नो, उनके बाप ने नहीं बताई है। ओके, तो ये एक्सरसाइज नंबर वन बहुत ईजी थी जो सोल्व कर ली हमने, और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 के जाने पड़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 में कह रहा है, दीज जंपल्ड अप वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन बिलो आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द पोएम्स, चूज द वर्ड और फ्रेज दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक्स। ये कह रहा है कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस दिए गए हैं, उनके जो नज़दीक तरीन मीनिंग है वो लिखें अपनी नोटबुक में। जैसा कि नंबर 1 है, द वर्ड ब्लीजिंग्स इन वर्स नंबर 1 मीन्स, जो वर्स नंबर 1 में वर्ड ब्लीजिंग्स इस्तेमाल हुआ है उनकी मीनिंग क्या होगी? यानी यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इनमें से सिलेक्ट करके वर्ड जो है वो ब्लैंक्स में लिखना है। तो वर्ड नंबर 1 की जो ब्लीजिंग्स की मीनिंग होगी वो होगी फेवर फ्रॉम गॉड, इसकी मीनिंग होगी फेवर फ्रॉम गॉड, यानी खुदा की तरफ से भलाई। और नंबर 2 है, द वर्ड वंडर्स इन वर्स नंबर 2 मीन्स, जो वंडर्स वर्ड है वर्स नंबर 2 में उसकी मीनिंग क्या होगी? वंडर्स की मीनिंग होगी यहाँ पे वंडरफुल, तो वंडरफुल इसकी मीनिंग होगी। ऊपर लिखा हुआ है, आप चाहें तो वो टिक कर सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वंडरफुल। और नंबर 3 है हमारे पास, द वर्ड माउन इन वर्स 4 मीन्स, जो लफ्ज़ माउन इस्तेमाल हुआ है वर्स नंबर 4 में उसकी मीनिंग होगी। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि माउंस का मतलब होता है अरमान, ठीक है? तो यहाँ पे जो होगा वो ये सारो सही होगा, सारो यानी अरमान, तो इसकी मीनिंग होगी ये। उसके बाद नंबर 4 है, द वर्ड हेल्पलेस इन वर्स नंबर 4 मीन्स, ये जो वर्स नंबर 4 में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हेल्पलेस, उसका मतलब होगा अनलकी यानी बदकिस्मत, तो यहाँ पे ये अनलकी इस्तेमाल होगा नंबर 4 में, अनलकी। ओके, और उसके बाद नंबर 5 है, द वर्ड यो इन वर्स नंबर 4 मीन्स, तो यो की मीनिंग होगी यहाँ पे लूज, LOSS, लूज यहाँ पे मीनिंग होगी इसकी। ओके, और नंबर 6 है, द वर्ड पेशेंस इन वर्स नंबर 4 मीन्स, तो उसकी मीनिंग होगी जॉय, JOY, यहाँ पे जॉय कहाँ है, यहाँ पे है जॉय, ठीक है। और नंबर 7 है, द वर्ड चेयर इन वर्स नंबर 5 मीन्स, चेयर का मतलब होता है किसी को खुशी देना, ठीक है? तो यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी ये गिव हैप्पीनेस, यानी खुशी देना, गिव हैप्पीनेस, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी पहुंच सके।